भाइयों कैसे हो आप सभी। अभी हमारे सामने खड़ी है क्रेटा, ठीक है। बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, चलो बात करते हैं, ठीक है। यहाँ अपने को सबसे पहले देखने को मिल जाता है भाई, ये अपने को टॉप एंड द लाइन वेरिएंट दिख जाता है क्रेटा का। और बात करें इसके फ्रंट की, ठीक है, टॉप की बात करते हैं, फ्रंट की बात करते हैं, जो भी है, जो भी बोल लो, बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट में अपने को कुछ इस तरीके से अपने को बोनट पे क्रीजेस देखने को मिल जाते हैं प्यारे से। यहाँ अपने को अट्रैक्टिव और स्मार्ट सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये आप पोर्शन अपने अपने को, ये वाला पोर्शन अपने को क्रोम में, ये अपने को डार्क क्रोम में देखने को मिल जाता है। और यहाँ अपने को आगे स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। बीच में हुंडई का लोगो बड़ा सा काफ़ी प्रीमियम सा दिख रहा है भाई। और बात करते हैं अभी हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स की यूनिट अपने को कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। ये अपना प्रॉपर DRL देखने को मिल जाता है। चलो लाइट देखते हैं जला के भाई, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। हेडलैम्प्स वगैरह DRLs वगैरह ऑन करके देख लेते हैं। भाई ये अपने को DRLs देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जलते हुए तो काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं। और यहाँ अपने को अगेन पायलट लैंप देखने को मिल जाता है। चलो एक और करते हैं भाई, 1000 भी ऑन कर देते हैं, वो भी देख लेते हैं अभी कैसा दिखता है। हजार्ड किया हूँ तो यहाँ अपने को इंडिकेटर और पायलट लैंप देखने को मिल जाता है। यहाँ अपने को DR और ये अपने को हेडलैम्प्स यूनिट देखने को मिल जाती है। यहाँ ये अपने को लो बीम पे और ये अपने को हाई बीम पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने का फ्रंट प्रोफाइल इसकी हुई है कम्प्लीट। चलते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड की बात करें तो यहाँ अपने को ग्लाइडिंग का पार्ट देखने को मिल जाता है। और टायर सेक्शन बात करें तो JK के टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल देखते हैं भाई क्या है, 215/60 R17 इंच के अपने को अलॉयज देखने को मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश में। यहाँ बीच में अपने को हुंडई का लोगो और 5 नट बोल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भाई। ORVM की बात करें तो ORVM पे अपने को पूरा ब्लैक देखने को मिल जाता है, गाड़ी ही ब्लैक है। और यहाँ अपने को, ठीक है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर में यहाँ एक लाइट जलती है और यहाँ एक लाइट जलती है भाई, ठीक है। पूरा 3D है, ब्लिंक करता हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई डोर हैंडल्स की। डोर हैंडल अपने को बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अपने को क्रोम का एक्सेसरी लगी हुई, ये इसका रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरीके की अपने को प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं। ए पिलर अपने को बॉडी कलर, बी पिलर भी बॉडी कलर, और सी पिलर अपने को ये वाला देखने को मिल जाता है सिल्वर शिपिंग इसमें, ठीक है। यहाँ अपने को सेकंड रो का डोर हैंडल। चलते हैं रियर प्रोफाइल में। रियर में की बात करें तो यहाँ अपने को भाई साक्फे 19 देखने को मिल जाता है। और यहाँ अपने को डिफोगर, वाइपर, और बीच में अपने को हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और हुंडई का लोगो, क्रेटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, या SX की बैजिंग देखने को मिल जाती है। नीचे अपने को स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, और ये अपने को ऑलवेज ऑन में देखने को मिल जाता है टेल लैम्प में। और ये ब्रेक यूनिट पे, ये अपने को इंडिकेटर पे, और ये अपने को रिवर्स पे देखने को मिल जाते हैं। ये इसके रिफ्लेक्टर्स और 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं भाई, ठीक है। यहाँ हुए अपना 360 व्यू कंप्लीट। इस साइड अपने को फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाता है। ओके जी, अब बात करते हैं, चलो भाई बात बूत होगी यहाँ पे, ठीक है। अपना हुआ है 360 व्यू पूरा कंप्लीट। चलते हैं गाड़ी के अंदर का भी सेक्शन की वीडियो बना लेते हैं। और पहली बात ये है कि भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कि वरना जाना ही नहीं है। चलो भाई ऑन करते हैं भाई ड्राइवर साइड का डोर पैनल ओपन। वाह यार काफ़ी प्रीमियम सा लुक है। अपने को ड्यूल टोन में अपने को डोर पैनल देखने को मिल जाता है। बीज कलर सॉफ्ट नहीं है यार, हार्ड ही है। बीज कलर देखने को मिल जाता है, हजार्ड ऑफ कर देते हैं यार, ठीक है। बीज कलर यहाँ देखने को मिल जाता है, ब्लैक कलर यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ अपने को स्पीकर ग्रिल, स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, और बॉटल होल्डर, पॉकेट, और चारों पावर विंडो कंट्रोल्स। यहाँ अपने को डोर हैंडल, और ये वाला डोर हैंडल अपने को सिल्वर सी फिनिश में देखने को मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए, ठीक है।
यार इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है गाड़ी का, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं भाई सीट्स की। तो सीट्स कुशन देखो भाई साहब, कुशन काफ़ी अच्छे हैं यार सीट के। ओके ठीक है, अभी हेडरेस्ट अपने को एडजस्टेबल मिल जाते हैं चारों के चारों। चलो एक चीज़ बताता हूँ, पीछे वाले हेडरेस्ट देखो यार काफ़ी बड़े से दिख रहे हैं, और आगे वाले हेडरेस्ट देखो काफ़ी छुटकों से लग रहे हैं। ठीक है, सीट्स फैब्रिक सीट्स अपने को देखने को मिल जाती है, और यहाँ अपने को रिक्लाइन एंगल के लिए, हाइट एडजस्टमेंट के लिए भी दिया हुआ है। ओके, और एबीसी पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ अपने को देखने को मिल जाता है भाई फ्यूल फिल्टर कैप ओपन करने के लिए। ओके, और इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का अपने को इंटीरियर देखने को मिल जाता है। चलिए गाड़ी के अंदर भी बैठ कर देख लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है अभी बात करते हैं। तो यहाँ अपने को भाई इस की बात करें ना, तो कुछ इस तरीके की अपने को की देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक होल्ड और बूट रिलीज के लिए भी होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, और दोनों की दोनों अपने को रिमोट कंट्रोल की देखने को मिल जाती है, और एक बार कर देते हैं भाई बटन ऑन। हाँ यार, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ठीक है, अभी हाँ क्लस्टर की बात करें तो यहाँ अपने को भाई टेकोमीटर, इस साइड अपने को स्पीडोमीटर, यहाँ अपने को देखने को मिल जाता है। Hi, Hyundai welcomes you. Enjoy a pleasant and safe drive. टेम्परेचर गेज, और इस साइड अपने को फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। और स्टिक्स इसमें नहीं आती है। स्टिक्स की बात करें तो यहाँ अपने को भाई ये जैसे दिख रहे हैं ना ये वाले कंट्रोल्स, स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है, तो यहाँ अपने को दिख जाते हैं क्लस्टर के कंट्रोल्स, और यहीं अपने को क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से अपने वॉइस कमांड कंट्रोल और म्यूजिक के कंट्रोल और कॉलिंग के कंट्रोल सारी यहीं देखने को मिल जाते हैं। पोंपों वाला डुअल टोन में हॉर्न दिया हुआ है। और यहाँ बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। सेंटर कंसोल की बात करें तो भाई यहाँ अपने को एसी के इक्विपमेंट्स देखने में जाते हैं, दो काफ़ी अट्रैक्टिव से, यहाँ थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह के लिए मान कुछ भी रख सकते हो आप। यहाँ इसका मेन्यू देखने में मिल जाता है, 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन काफ़ी अट्रैक्टिव से लग रही है। यहाँ अगेन अपने को फिजिकल बटन, वॉल्यूम वगैरह के लिए ये वाला बटन दिया हुआ है। और ओके जी, ये देखो वॉल्यूम वगैरह के लिए। ठीक है, यहाँ अपने को ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अपने को रिसर्कुलेशन का बटन, ये भी फिजिकल बटन है। यहाँ रियर के फोग लैंप और फ्रंट का फोग, और रियर के डिफोगर और फ्रंट का डिफोगर, और यहाँ ऑफ करने के लिए। यहाँ थोड़ी अपने को स्टोरेज देखने को मिल जाती है, बट यहाँ अपने को वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है USB चार्जिंग के लिए, और भी यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं भाई अपने को 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ अपने को दो कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ अपने को आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, उसके अंदर थोड़ी स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ओके, यहाँ बात करते हैं भाई इसके ग्लव बॉक्स की, तो डिसेंट साइज़ का अपने को ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ अपने को व्यू के लिए बटन दिया हुआ है एक भाई। जी कैमरे की क्वालिटी अपने को ठीक ठाक सी लगी। ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ देखी जा सकती है। ओके, तो यहाँ अपने को इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी प्यारा सा है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं भाई यहाँ अपने को वाइपर के कंट्रोल, इस साइड अपने को हेडलाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और अंदर का हुआ है यहाँ से कंप्लीट।
ओके, यहाँ बात करें तो टिकट होल्डर, इस साइड सनवाइजर पे बात करें तो अपने को मिरर देखने को मिल जाता है और अपने को रूफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अपने को एलईडी में रीडिंग लैंप देखने को मिल जाते हैं। चलो जी, उससे पहले IRVM की बात करें तो यहाँ अपने को IRVM देखने को मिल जाता है अभी मैनुअल में ही, और SOS का बटन और अनेक बटन दिए हुए। बात आ गई अपनी सनरूफ पे, पैनोरामिक रूफ है ये तो भाई, ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है भाई। रूफ तो काफ़ी बड़ी है, ठीक, मतलब सनरूफ से इसका ओपन होता है तो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से भाई बंदा आराम से निकल सकता है, निकलना चाहता है तो। ये चद्दर वाला ही हिसाब है। चलते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो पे की भी बात करें भाई, बात करते हैं भाई सेकंड रो के डोर की। तो यहाँ अपने को डोर पैनल पे सबसे पहले डुअल टोन में देखने में जाते हैं, यहाँ स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर, पॉकेट्स और पावर विंडो के बटन्स यहाँ देखने में। यहाँ अपने को कार्टन देखने को मिल जाती है, ब्लाइंड्स सन ब्लाइंड्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बट इसका डिसएडवांटेज भी है, चलान हो सकता है। और सीट्स यार ये भी काफ़ी अच्छी है यार, प्रीमियम सी है भाई। इस सेकंड रो की बात करें तो भाई नी रूम काफ़ी अच्छा है, लेग रूम ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी प्रीमियम है, और यहाँ अपने को एसी के वेंट्स रियर के देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी स्टोरेज और एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। बीस के अंदर अपने को कोई रीडिंग लैम्प नहीं देखने को मिलता, क्योंकि रीडिंग लैम्प अपना यहाँ पे मतलब पैनोरामिक सनरूफ आ चुकी है तो देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ अपने को देखने को मिलता है भाई रीडिंग लैम्प साइड में। ओके, एयरबैग की बैजिंग यहाँ देखने में जाती है, 6 एयरबैग के साथ आती है ये गाड़ी। ओके जी, अभी चलते हैं बाहर, यहाँ का बाइक अभी करते हैं बोट की बात। भाई बूट स्पेस भी काफ़ी प्रीमियम सा है, यहाँ अपने को स्पेयर टायर स्टेलियम के साथ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ अपने को रीडिंग लैंप भी देखने को मिल जाता है, स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, मतलब बूट स्पेस बहुत बड़ा है। ओके जी भाई, हुआ कंप्लीट रिव्यू, थैंक यू।